सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। हर किस्म के कपड़ों के लिए आज ही तशरीफ लाइए JK गारमेंट्स नज़्द उस्मानिया सरकारी मार्केट। फाइव स्टार मेंस वियर हौजरी आइटम्स भी इसी दुकान में दस्तियाब हैं। चंद्र मार्लेश्वर सर्कल रायचूर। पुलिस कॉलोनी का कभी है ना 28 में आता, कभी 29 में आता, कभी 30 में आता। नाज़रीन आदाब A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन उर्दू में एक लफ्ज़ है मस्त हाथी। इत्तेफाक से हमारी रायचूर बल्दिया का निशान भी हाथी है और ये हाथी इतना मस्त है कि इसको कोई महावत ही नहीं है। और कुछ हल्का जात में ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ के रुकने बल्दिया कौन है, यानी हाथी की डोरी पकड़कर नीचे चलने वाले कौन है उसका भी पता नहीं है। रायचूर बल्दिया के लिए आखिरी महावत के तौर पर मरहूम बल्दिया सदर यामीर राणा को याद किया जाता है। सिर्फ उनकी क़यादत में ही ये हाथी तयशुदा मंसूबे के मुताबिक चलता रहा, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा महावत अभी तक इस हाथी को मैसर नहीं आया जिसके लिए ये कहा जा सके हाथी की चाल सीधी चल रही है। कई काम बल्दिया की जानिब से ऐसे किए जा रहे हैं जिसका आवाम को कोई पता नहीं है। इसका गुत्तेदार कौन है और इसका मंसूबा क्या है, इसमें कितनी फिट की सड़क तामीर की जानी है, कितनी फिट की नालियां तामीर की जाने वाली हैं और कहां पर इलेक्ट्रिकल पोल को नसब किया जाने वाला है, यहां पर फुटपाथ बनेगा क्या नहीं बनेगा, पार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, नाली बनेगी तो कहाँ तक बनेगी, इस मामले में वहाँ पर रहने वाली आवाम को ही कोई पता नहीं होता। यहाँ तक कि वहाँ के रुकने बल्दिया को भी इसका कोई ख़ास इल्म नहीं होता और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहाँ का रुकने बल्दिया कौन है ये तय करना भी मुश्किल है। इस तरह के इलाकों में एक इलाका है पुलिस कॉलोनी का एरिया। ये एरिया इस एरिया की आवाम यानी इस एरिया के वोटर्स कभी वार्ड नंबर 28 के लिए वोट डालते हैं, कभी 29 के लिए और कभी कभी वार्ड नंबर 30 के लिए भी ये लोग वोट देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर वो किस वार्ड में रहते हैं। अब इस असना में यहाँ पर जो तरक्याती काम होते हैं वो भी अजीबोगरीब ढंग से चलते हैं। यहाँ पर अब इन दिनों यहाँ पर एक नाली तामीर की जा रही है जो एक सरे पे आकर ख़त्म हो रही है, जबकि कोई भी नाली किसी सरे से शुरू होती है और दूसरे सरे पर एक और नाली से जाकर मिलती है, लेकिन ये नाली ऐसी है कि दरमियान में ही अटक रही है यानी दरमियान पर ही ख़त्म हो रही है। इसके लिए कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि अभी शुरू हुई अभी ख़त्म हो गई, यानी दूसरी जगह मिलना ज़रूरी है तभी तो पानी की निकासी अमल में लाई जा सकती है, तभी तो गंदा पानी वहाँ से बहकर दूसरी नाली से मुंतकल होकर शहर के बाहर जा सकता है। लेकिन एक नाली ऐसी तामीर की जा रही है जिसकी सरहद अलकेर मेडिकल के पास ख़त्म हो जाती है, जबकि उसको दूसरी नाली से मिलाया नहीं जा रहा। इस सिलसिले में यहाँ की आवाम की शिकायत है कि ये नाली आधी अधूरी क्यों तामीर की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने भी उनसे गुफ्तगू की, आप भी इसको मुलाहिदा कर सकते हैं उन लोगों की शिकायत क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर यह भी देखने में सामने आई कि इस नाली को तामीर जब किया जा रहा है तो इस सड़क के दरमियानी हिस्से से दोनों तरफ कितने कितने फीट की सड़क की तोसी अमल में आने वाली है इसका भी कोई अंदाज़ा या फिर इस सिलसिले में भी कोई वाज़े मौक़ूफ़ नज़र नहीं आ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात वहाँ के रहने वालों की ज़ुबानी सुन लीजिए। डेवलपमेंट बोल को हो पूरा हमारे दुकान के सामने पूरा घर का पानी इधर आके ठहर जा रहा, कैसा करना प्रॉब्लम व्यापार पानी रुक रहा पूरा पुलिस कॉलोनी का पानी यहाँ रुक रहा साहब चेंबर का आगे जाना उधर आगे सीधा डेवलपमेंट बोल को पूरा यहाँ लाखों ना ठहरा चेंबर का पानी पूरा क्वार्टर्स का पानी सब इधर ही जमा हो जा रहा आपको हम क्या करना साहब यहाँ घर गिर देखो घर है हमारे बिजनेस आए कैसा करना बोलो एक 8 दिन हुआ खोद के क्या करना 8 दिन से ऐसा पूरा पानी आपको यहीं चल रहा मच्छर जमा होते बीमार पड़े तो कौन जिम्मेदार साहब वहाँ 50 मीटर रोड है उतना छोड़ को यहाँ पूरा घर के सामने खोद दिए लोग नाले वहाँ से यहाँ तक किस नाली कहते लग जाओ अभी नाली क्या तो भी करो साहब इसका क्या तो भी हल करो डेवलपमेंट नहीं तो इधर से आगे छोड़ दो तुम लोग क्या यहाँ पूरा जमा हो गया तो बीमार हुए तो कौन जिम्मेदार बोलो अब सर AMD कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे यहाँ 8 दिन हो गया खोद के बाड़ा देश है नाली का पानी नहीं जा रहा बहुत परेशान है साहब क्या है ज़रा जल्दी से करके देख लो हाँ घर भी यहीं साहब हमारे को आने जाने तकलीफ हो बहुत परेशानी हो रही साहब यहाँ पे पानी जाने का रास्ता ही नहीं है सर यहाँ रुका है अभी ऐसा एल टाइप से पानी छोड़ने करे तो अच्छा था इधर ब्लॉक करके नाली बना रहे कैसा ही सब क्या है कि नहीं मालूम पड़ रहा डेवलपमेंट पहले इधर पानी रनिंग रहता सो उधर वर्क अच्छा होता इधर पानी ब्लॉक कर लेके उधर वर्क कर तुम बोले तो वर्क करे सो भी वेस्ट हो जाता 2 दिन में टूट जाता नाली वैसा कर रहे हो वर्क
प्रॉब्लम हो रहा है। बिजनेस क्या ले क्या ऊपर का पानी भी नहीं आ रहा, घर का पानी नहीं आ रहा, 8 दिन हो गया नल बंद हो गया। हाँ नल भी बंद हो गया, नल कट हुआ, सोप टूट गए, उन्हें एक चीज भी नहीं बना रहे, थोड़े कंस्ट्रक्शन बोले बना के दे तो बोले वो नाला तोड़ दो बना के दे तो बोले अभी तक बनाई नहीं, अभी तक बनाई नहीं, अभी नाली नहीं बना, पानी इतना डर गया। हाँ पहले पानी रनिंग करे सर का कर रहे ना। मेरा नाम मोहम्मद जफर, ये नाली जो है सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, इसका क्या हिसाब से बना रहे, ना वो साइड मेजरमेंट लिए, ना सेंटर से मेजरमेंट लिए, कितना मेजरमेंट लिए क्या भी नहीं, अब ये नाली यहाँ कोई एंड करते है, आगे पानी कैसा जाना। पुलिस कॉलोनी का पूरा ड्रेनेज पानी इधर छोड़ दिए, अब ये हाल अभी ये हाल है, बनने के बाद में है ना पानी किधर जाना, इधर यहाँ कुछ एंड करते नाली, और मेजरमेंट है ना सेंटर में से कितने फीट लिए बोलो तो वो बोलने को तैयार नहीं है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और है ना उधर साइड भी नहीं लिए मेजरमेंट, ना आगे ना पीछे, बस इतना ही यहाँ से इतना कर दिए, डैम बन गया ये है ना पूरा, यह पानी आके ठहर जा रहा, अब इसका नाली का आखिर ये पानी किधर जाना सब, ये यहाँ तक ही नाली का थे, यहाँ सब है ना पूरा तोड़ फोड़ करके है ना पूरा परेशान कर दिए सब। प्लान नहीं है, सिस्टम नहीं, प्लान नहीं क्या भी नहीं, सिस्टम क्या भी नहीं, कहते हैं सेंटर से कितना मेजरमेंट वो भी नहीं बोल रहे, वो नाली फुल हो गया, वो नाली हाँ वो, ये एरिया के काउंसलर तो ये कौन है मालूम ही नहीं है, पुलिस कॉलोनी का कभी है ना 28 में आता, कभी 29 में आता, कभी 30 में आता, ऐसा हो गया ना, अभी काउंसलर कौन है हमारे को मालूम भी नहीं, और वो म्यूनसिपालिटी के इंजीनियर आए थे उनको पूछे हम लोग सेंटर से कितने मेजरमेंट भाई, ये साइड कितने मेजरमेंट और वो साइड कितना ले रहे बोले तो है ना वो जवाब नहीं दे रहे, खाली इतना ही बनाते कहते, यहाँ से इतनी नाली बना के छोड़ देते कहते, क्या हिसाब से बना रहे ये नाली, अब मेजरमेंट बोले तो नहीं बात नहीं कर रहे, भाग जा रहे वो लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो जो इसके म्यूनसिपालिटी के इंजीनियर जो आए थे वो इतने जने सवाल करे हम लोग सेंटर में से क्या कितने फीट, हाँ हनुमंतु साहब बोल के है ना और एक जने कौन की, हाँ डेवलपमेंट होंगे हम लोग सपोर्ट कर रहे पूरा, मगर है ना ये क्या है यहाँ का एक सेट मेजरमेंट ले को है ना एक सेट बना रहे, क्या हिसाब से बना रहे, कौन पूछने वाला है नहीं उन म्यूनसिपालिटी वालों को, समझ में नहीं आ रहा है, और है ना अभी इसको है ना नागी नाली आगे बढ़ाते गए तो वो सब भी नहीं पूछना, तो मैं बोल रहे हैं हमारे, हाँ पूछे तो है ना एस्टिमेट क्या बोल रहे हैं वो नहीं इतना हमारे को जो काम दिए हैं वो तक कर रहे हैं उसका आगे है ना दूसरों को देते हो ऐसा क्या की बोल रहे, दिल में ऐसा का बोल रहे हैं।